नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नए बने इशू में। और आज का जो हमारा इशू है वो है व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो अब फेब्रुअरी 8 को ना आकर मई 15 को इम्प्लीमेंट कराई जाएगी, या मई 15 को उसको पब्लिश किया जाएगा। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कई सारे डाउट्स, कई सारे मिसकंसेप्शन और कई सारे कंट्रोवर्सी इसके इर्द गिर्द घिरी हुई है। तो आइए इस पर्टिकुलर बर्निंग इशू टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ कि ये पूरा माजरा है क्या एंड आपको इनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। व्हाट्सएप का जो टर्म्स ऑफ सर्विस या जिसे हम प्रिवेसी पॉलिसी कहते हैं उसके बारे में एक खबर उड़ी कि इससे आपका जो डेटा है, जो हमारा डेटा है उसका मिसयूज किया जाएगा, उस डेटा का जो एक प्रिवेसी है उसका उल्लंघन किया जाएगा और वो डेटा जो है वो आपका फेसबुक से शेयर किया जाएगा। तो पहला यहाँ पर सवाल बना कि ये जो व्हाट्सएप पॉलिसी जिसकी हम बात आप करेंगे, ये पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट कब होगी? सबसे पहला सवाल तो ये। तो यहां पर मेरे दोस्तों पहला चीज जो आपको ध्यान देना है, फेब्रुअरी 8 वॉज टर्म्ड कि उस दिन आपकी ये प्रिवेसी पॉलिसी फॉलो की जाएगी, जो बहुत ही बड़ा पब्लिक आउटरेज आपका इस वजह से हुआ। और इससे इनफैक्ट जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या सिग्नल हो, उसको काफी फायदा पहुंचा। और इस वजह से व्हाट्सएप को लगा, जिसको फेसबुक ने आपका ओन किया है, उसको ये प्रॉब्लम लगा कि हमें कुछ डिले करना पड़ेगा ताकि हमें टाइम मिले कन्विंस करने के लिए और हो सके माइट बी अपने पॉलिसीज को चेंज करने के लिए। तो मई 15 वो डेट है जिस दिन ये पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट की जाएगी। अब एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट्सएप जो प्रिवेसी को लेकर काफ़ी जिस पर कंट्रोवर्सी हुई है, ये व्हाट्सएप आखिरकार हमारा डेटा जो है उसके बारे में इसका क्या कहना है, क्या और कैसे ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है या हमारे प्राइवेट मैसेज को सिक्योर करता है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये हमने व्हाट्सएप से ही लिया है, ये व्हाट्सएप का ऑथेंटिक सोर्स है जो हम बता रहे हैं आपको। व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हियर योर कॉल्स एंड नीदर कैन फेसबुक, पहला। दूसरा, व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग। तीसरा, व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नीदर कैन फेसबुक। चौथा, व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट विद फेसबुक। पांचवा, व्हाट्सएप ग्रुप्स रिमेन प्राइवेट। सिक्स्थ, यू कैन सेट योर मैसेजेस टू डिसअपियर। एंड सेवेंथ, यू कैन डाउनलोड योर डेटा। तो ये एक अफर्मेशन है, ये एक पब्लिशर, ये एक एक तरह से पब्लिक डोमेन में है कि कौन कौन सी चीज़ें व्हाट्सएप या फिर फेसबुक आपका नहीं करता और कौन सी चीज़ों की परमिशन आपको वो दोस्तों देता है। तब एक सवाल ये उठा कि डेटा जो हमारा है व्हाट्सएप के पास वो कौन सा डेटा है जिसको कि शेयर करने की बात की जा रही है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द डेटा और द अपडेट जो कि आपका ये टर्म्स ऑफ सर्विस से होगा, उससे जो हमारा डेटा है वो मेनली बिजनेस पर्पसेस के लिए आपका शेयर किया जाएगा। इस पर्टिकुलर डेटा में आप यूजर डिटेल्स होंगी जैसे कि हमारा फोन नंबर और हमारा ट्रांजैक्शन डेटा। पर इस बात को याद रखिएगा कि अभी भी जो हमारी कन्वर्सेशंस हैं, अभी भी जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारी फाइल शेयरिंग है, वो आपका अभी भी प्राइवेट रहेगा और उस पर अभी भी आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन किया जाएगा। सेकेंडली, जो अपडेट है उससे ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है या व्हाट्सएप ने कहा है कि जो उसकी अबिलिटी है टू एक्सपैंड द डेटा शेयरिंग विद फेसबुक, उस पर्टिकुलर डेटा शेयरिंग को एक्सपैंड फेसबुक के साथ आपका नहीं किया जाएगा। पर यहां पर एक आउटलायर है, वो आउटलायर ये है कि इवन इवन देन व्हाट्सएप शेयर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स यूजर्स विद फेसबुक। ऑलरेडी व्हाट्सएप जो है वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारी शेयर करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ों को बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहला, ये अपडेट मेनली बैंक बिजनेस पर्पसेस के लिए होगा जिसमें हमारे फ़ोन नंबर्स और हमारा ट्रांजैक्शन डेटा शेयर किया जाएगा। हमारे जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं, जो हमारे व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस हैं, वो अभी भी प्राइवेट रहेंगे, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे फॉलो करेंगे। ये इंक्रिप्शन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे आगे। और एक्सपैंड नहीं करेगा व्हाट्सएप अपने डेटा शेयरिंग को क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता है।
तो यहाँ पर दो चीज़ों पर हमारा फोकस अब रहेगा कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है और कैसे ये हमारे सिक्योरिटी को, कैसे हमारे ये डेटा प्रिवेसी को ये एंश्योर करता है, और सेकंड वो कौन सा डेटा है जो फेसबुक के साथ व्हाट्सएप शेयर करता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है। देखिए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए आपको दो तरह के वर्ड्स, टर्म्स याद करने पड़ेंगे। पहला टर्म है आपका पब्लिक की और दूसरा टर्म है आपका प्राइवेट की। पब्लिक की अगर हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन का वो सोर्स है जो नोन है पब्लिक में, इट इज नोन टू एवरीवन। प्राइवेट की एक ऐसा सोर्स इंफॉर्मेशन है जो अगर आपका ट्रैवल करेगा तो उस इंफॉर्मेशन में क्या डिटेल्स हैं उसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बॉब ने एलिस को लिखा हेलो एलिस, ठीक है, और ये उसने यूज किया अपना पब्लिक की। पब्लिक की को यूज करने के बाद उसने इसको ट्रांसफर किया टू एलिस यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ एलिस। अब जब ये इंफॉर्मेशन आपका सर्कुलेट हुआ तो इंफॉर्मेशन आपका कुछ ऐसे में सर्कुलेट हुआ। मैसेज क्या था? हेलो एलिस। पर सर्वर पर ये मैसेज शो कैसे हुआ? इस पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर में, जिससे ये डिसाइफर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपका इंफॉर्मेशन है क्या। पर क्योंकि एलिस के पास ने अपना प्राइवेट की यूज किया और उसने इसको डिक्रिप्ट किया और ये मैसेज क्या मिला उसको? हेलो एलिस। तो यहाँ पर दो आपके आपके कीज इन्वॉल्व हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। बॉब जो है वो एलिस का पब्लिक की यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बॉब के पास एलिस का नंबर है तो दैट नंबर विल हैव द पब्लिक की, दैट नंबर इज पब्लिक की। उस पर्टिकुलर नंबर पे उन्होंने मैसेज भेजा। ये मैसेज जब ट्रैवल किया जाएगा सर्वर से तो बॉब ने अपना प्राइवेट की यूज़ किया जो कि आपका एक एनक्रिप्टेड की है। उस की से मैसेज आपका गया। इस इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है कि इंफॉर्मेशन जा रहा है, पर इंफॉर्मेशन क्या है, किसको जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं होगी। जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगा एलिस के व्हाट्सएप चैट पे तो वो, क्योंकि उनके पास उनका नंबर सेव है एंड क्योंकि वो इसको इंक्रिप्ट कर पाएंगी बिकॉज इट हैज बीन सेंड यूजिंग द पब्लिक की ऑफ एलिस, तो एलिस उसको इंक्रिप्ट करके उस मैसेज को पढ़ पाएंगी। तो विद द यूसेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड from the start user to the end user without any leakage of information to others. और ये information इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है, message to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info. मतलब ये information इन दोनों के बीच ही रहेगी, information public domain में कहीं पर भी आपकी share नहीं होगी। कुछ WhatsApp का कुछ ऐसा कहना है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू WhatsApp एंड दैट्स व्हाई दे बिल्ड एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और इस इंक्रिप्शन को बिल्ड करके आप जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उसी को इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उसका डेटा शेयरिंग किसी और के साथ नहीं होगा। डेटा बहुत प्रकार का होता है, यहाँ पर जो डेटा की हम बात कर रहे हैं दैट इज योर कन्वर्सेशंस, योर प्राइवेट डिटेल्स, उनको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो डेटा शेयर होगा, जो मैं रिपीट फिर से करूंगा, आपके ट्रांजैक्शंस और आपके फोन नंबर्स जो हैं उनको शेयर किया जाएगा। बेसिकली मार्केट बिहेवियर को चेक करने के लिए उनको शेयर किया गया है, जिससे बिजनेस कंपनीज को आपका फायदा पहुंचेगा। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर एक और आएगी कि क्या व्हाट्सएप सिक्योर ऐप है? जो भी हम यहाँ पर डेटा शेयर कर रहे हैं आपस में, जो भी हम कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, क्या वो सिक्योर है इवन आफ्टर एंड टू एंड इंक्रिप्शन? तो यहाँ पर एक E2EE रेटिंग आपके सामने दी हुई है, जहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि व्हाट्सएप का रेटिंग है 5/5, जो कि बेस्ट है। उसके बाद वाइबर का सेकेंड पे है, उसका भी 5/5 है। फेसबुक मैसेंजर का 4/5 है, टेलीग्राम का 4/5 है, और आपका स्काइप का सिर्फ 2/5 है। तो बार बार हमें जो लगता था कि स्काइप बहुत सिक्योर है, ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। यहाँ पर E2EE का फुल फॉर्म है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अच्छा, अब ये स्क्रीन पे आप देखिए, मैंने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे सिक्योर ऐप इनमें से आपकी कौन सी है। अब एक सवाल आया कि फेसबुक से फिर इंफॉर्मेशन कौन सी फिर हम शेयर करते हैं। तो फेसबुक से जो इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप शेयर करता है वो है फॉर एग्जाम्पल योर फोन नंबर, फॉर एग्जाम्पल योर ट्रांजैक्शन डेटा, जिसमें आपका फेसबुक पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, योर सर्वे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ यू इंटरैक्ट विद बिजनेस, ये आपका शेयर होता है। मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन भी आपका शेयर हो सकता है,
आपका आईपी एड्रेस भी शेयर हो सकता है, और साथ ही साथ इट में ऑल्सो इंक्लूड अदर इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइड एज प्रिवेसी पॉलिसी सेक्शन, जो कि उसमें आपका मैसेज किया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी फेसबुक के साथ ऑलरेडी आपकी शेयर होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक का डेटा शेयर नहीं हो रहा, ऑलरेडी वो डेटा आपका शेयर होता है। अब एक सवाल आता है कि इतना कुछ जानने के बावजूद अगर मैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को अग्री नहीं करता हूँ, इफ़ आई डिसअग्री तो क्या होगा? तो आपको व्हाट्सएप की फुल फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट टाइम आप कुछ रिकॉल्स को रिसीव कर पाओगे, नोटिफिकेशंस को चेक कर पाओगे, पर ना तो उनको रीड कर पाओगे और ना ही उनको ऐप से सेंड कर पाओगे। शॉर्ट टाइम का मतलब मेरे हिसाब से होता है कि कुछ हफ्तों तक आप उस इंफॉर्मेशन को रीड ना सेंड कर पाओगे, सिर्फ उनको रिसीव कर पाओगे कि आपको कॉल आया है, आपको नोटिफिकेशन आए, मतलब मोर और लेस व्हाट्सएप आपके लिए रिडंडेंट हो जाएगा और आपको उन उन पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक पूरा एक मुद्दा है जो कि आपका व्हाट्सएप का प्राइवेसी इशू है। लेट्स सी कि वो अपडेट्स क्या देता है, पर अभी एज ऑन द 24th of February अभी तक यही पॉलिसी अपडेट है, और लेट्स सी इसमें चेंज क्या होते हैं। पर प्रेशर में आकर उसने जो पॉलिसी अपडेट है उसे फरवरी 8 की लॉन्चिंग से आपका मई 15 की लॉन्चिंग जो है वो कर दिया है। तो गाइज, ऐसे टॉपिक्स के लिए हम आपके साथ मिलते रहेंगे, कल एक और नए टॉपिक सर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, एंड टेक केयर एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल। बाकी गाइज, मेरा एक बैच आ रहा है, वो बैच का नाम है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस बैच। ये बैच आपका 1 मार्च से अवेलेबल है। इस बैच को अवेल करने के लिए आपको एग्जाम सेंट्री की ऐप पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये बैच मिलेगा 1299 में, और ये बैच आपके सारी बैंकिंग अवेयरनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, आई मीट यू अगेन नाउ टुमारो विद अनदर टॉपिक। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय बाय।